नर्व एजेंट, फ्रेंड ये शब्द एक बार फिर से चर्चाओं में है। कारण किसी ने फेसबुक के कुछ ऑफिसों में इस जानलेवा पदार्थ के लिफाफे भेज दिए हैं। इससे पहले इसका नाम कोरिया के शासक किम जोंग के सौतेले भाई की हत्या में भी सामने आया था, जब किसी ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर उनके ऊपर इस घातक पदार्थ को डाल दिया था और बाद में हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। फ्रेंड नर्व एजेंट केमिकल के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अगर लोगों को बड़े पैमाने पर मारना हो तो नर्व एजेंट सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इस केमिकल का अपना कोई रंग नहीं होता और न ही अपनी कोई गंध होती है। साथ ही साथ इसे पानी में या खेतों में मिलाकर बड़े पैमाने पर जनसंहार किया जा सकता है। फ्रेंड नर्व एजेंट के संपर्क में आने पर अगर ये केमिकल त्वचा के संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, और अगर ये मुंह में चला जाए तो इसकी वजह से आंखों में तेज दर्द, धुंधला दिखना, सुस्ती की समस्या और उल्टी होने लगती है। फ्रेंड इसको भाप बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। भाप के रूप में ये करीबन 30 मिनट तक किसी भी वस्तु पर रह सकता है और उतने ही टाइम में पास आने वाली हर चीज़ को इफेक्टेड कर देता है। फ्रेंड कोई भी ऐसी चीज़ जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हो नर्व एजेंट का ही रूप होती है। इस केमिकल के संपर्क में आते ही मसल्स को पैरालिसिस हो जाता है, और अगर सांस की मसल्स को पैरालिसिस हो जाए तो इंसान इसमें तुरंत मर जाता है। इसका उपयोग होने पर पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है, और उसके बॉडी में थोड़े थोड़े अंतराल पर झटके आने लगते हैं, दिल की धड़कन बहुत ही बढ़ जाती है, और कई बार दोस्तों ये लक्षण तुरंत आ जाते हैं और कई बार इन लक्षणों को आने में घंटों का टाइम लग जाता है। लक्षणों के आने का टाइम जहर की मात्रा पर निर्भर करता है। फ्रेंड नर्व एजेंट को तीन तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका है बीएक्स नर्व एजेंट का। ये रंगहीन और तरल के रूप में होता है और अपने पानी जैसे होने के कारण इसकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत से देशों की सेना इसका इस्तेमाल करती है। दूसरा तरीका है सेरीन। इसका इस्तेमाल गैस के रूप में किया जाता है। इस रूप में ये शरीर के एंजाइम को नष्ट कर देता है और धीरे धीरे एंजाइम के खत्म होने से पीड़ित व्यक्ति का अपने शरीर पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। तीसरा तरीका है थीलियम। इस तरीके में इसे लिक्विड या पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसका कोई रंग नहीं होता और ना ही कोई गंध होती है। ये सबसे ज़्यादा घातक तरीका होता है। तो थी नर्व एजेंट से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारियाँ। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।